नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका शर्मा और आप देख रहे हैं इस भारत और वक्त है इस इन रफ्तार का। ओंकारेश्वर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बाबा ओंकार का किया जल अभिषेक, प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्थाएं। दतिया में श्री वन खंडेश्वर महादेव का किया जल अभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त, शुभ संयोग में शुरू हुआ है श्रावण माह। बड़वा में शिवालयों में महादेव का पूजन अर्चन, भोलेनाथ की जल अभिषेक करके उमड़े भक्त, माँ नर्मदा के तट पर किया पूजन अर्चन। रायसेन में सोमेश्वर धाम सेवा समिति के ने किया जल अभिषेक, मंदिर में पाइप पहुंचाकर चढ़ाया दूध, मंदिर के गेट पर लगा रहता है ताला, वर्ष में एक बार ही सिर्फ शिवरात्रि पर ही खुलता है ताला। दमोह में जागेश्वरनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सावन सोमवार पर हजारों भक्तों ने किया जल अभिषेक, सांसद सहित परिवार ने किया पोले का अभिषेक, सांसद अपने गाँव से पैदल चलकर पहुंचे मंदिर। ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों पर आवागमन प्रतिबंध, इंदौर इच्छापुर मार्ग पर नहीं चलेंगे भारी वाहन, कांवड़ यात्रा के चलते लगाया प्रतिबंध। भोपाल में धूमधाम से सावन माह की हुई शुरुआत, बम भोले के जयकारों से गूंज उठा नगर, अल सुबह से ही शिवालयों में उमड़ी भीड़, पंचामृत से किया भगवान शिव का अभिषेक। भोपाल में पशुपतनाथ मंदिर में प्रतिमा में दरार का मामला, सावन के महीने में भगवान बीजेपी से नाराज हैं, पीयूष शर्मा ने कहा कि भगवान पशुपतिनाथ की देश में एकमात्र प्रतिमा जो 8 मुख की है। रायसेन में सेवानिवृत्ति अधिकारी से साइबर ठगी, 9,83,000 रुपए किए ट्रांसफर, ठग के पास थी पर्सनल जानकारी। बैतूल में 3 गांजा तस्कर पकड़ाए, लाखों का गांजा किया जब्त, 3 आरोपी है एक दूसरे के परिचित, पूरी गैंग की तलाश कर रही पुलिस। बुधनी में अमरगढ़ वाटरफॉल के टापू में फंसे सैलानी, 2 नदियों के बीच में टापू पर थे फंसे, देर रात रेस्क्यू कर 5 लोगों को निकाला, एसटीआरएफ टीम और पुलिस ने किया रेस्क्यू। भोपाल में अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र ने बैन हटाया तो विपक्ष भड़का, आरएसएस की शाखा में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिबंध हटा। भोपाल में एमपी नगर में अवैध गुमटियों का मकर जाल, पिछले दिनों निगम ने की थी बड़ी कार्रवाई, बावजूद इसके एमपी नगर में लगी अवैध गुमटियां, महापौर ने कहा अभी सभी अवैध गुमटियां हटा दी गई। उमरिया में लूट के आरोपियों पर 30,000 का इनाम, लुटेरे को पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं। इंदौर में सोमवार से ही सावन माह की हुई शुरुआत, शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, प्रातःकाल से भगवान का जल व दुग्ध अभिषेक किया गया। चंदेरी में हजारिया महादेव में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 6 शुभ योगों के साथ ही आया है श्रावण, 72 साल बाद बना अद्भुत दुर्लभ संयोग, भोले के अभिषेक में जुटे भक्त। इंदौर में शिव आराधना का प्रमुख मास की शुरुआत, इस बार श्रावणों में 5 सोमवार आएंगे, भोलेनाथ का जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक किया गया। इंदौर में सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़, गेंदेश्वर महादेव मंदिर में अल सुबह से लगा भक्तों का तांता, भक्त दुग्ध अभिषेक कर पूजन अर्चन कर रहे। आलोट में अनादि कल्पेश्वर महादेव का जल अभिषेक, मां शिप्रा का पूजन कर निकाली कलश यात्रा, खंड ओम नमः शिवाय जप का शुभारंभ, 5 करोड़ ओम नमः शिवाय का करेंगे जाप। भोपाल में उखड़ी सड़कों से रहवासी परेशान, महापौर ने किया सड़क का निरीक्षण, 1 सप्ताह में सड़क के सभी गड्ढे को भरा जाएगा, एमपी नगर स्थित सड़क का किया निरीक्षण। बैतूल के बरटपुर स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, रेलवे ट्रैक धसा, युद्ध स्तर से कार्य शुरू, 10 साल पहले यहाँ ट्रैक के नीचे की पूरी मिट्टी बह गई थी। महेश्वर में बाणेश्वरी कावड़ यात्रा महेश्वर से हुई शुरू, मारेवा के दुग्ध अभिषेक आरती कर हुई प्रारंभ, नगर परिषद अध्यक्ष ने किया भव्य स्वागत, हजारों की संख्या में कावड़ यात्री हुए शामिल। ओंकारेश्वर में स्वास्थ्य कर्मचारी की ओंकारेश्वर में लगाई ड्यूटी, मांगों को लेकर हड़ताल पर थे 5 कर्मचारी, सिविल अस्पताल पदस्थ है 18 कर्मचारी, मंदिर और घाटों पर लगाई है ड्यूटी। में पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण, जिला अस्पताल के बाहर से किया था अतिक्रमण, हाथ ठेला व फुटपाथ पर जमा रखा था डेरा। चित्रकूट में गैवनाथ धाम है जहां है खंडित शिवलिंग, 4 धाम के जल से होता है अभिषेक, आक्रमणकारियों ने मारी थी टाकी, श्रावण में देश भर से आते हैं श्रद्धालु। धार में श्रावण मास पर्व की हुई शुरुआत, धारेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सुबह से ही श्रद्धालु ने की पूजा अर्चना। मंडला में कैबिनेट मंत्री ओएके ने रोपा धान, पैतृक गाँव टीकरवाड़ा पहुंची, मंत्री ओएके कहा कि अपना मूल काम कभी ना छोड़े, बच्चों को दे सादगी का संदेश। भोपाल में खतरे में बीजेपी की सरकार, कद घटने से नाराज हुए मंत्री नागर सिंह चौहान, ने इस्तीफा, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बैतूल जिले में हुई झमाझम बारिश, बैतूल में हुई 14.74 इंच बारिश, पिछले वर्ष की अपेक्षा 3 इंच बारिश हुई कम, अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना। भोपाल में सावन मास की हर और दिखी धूम, सावन मास की सीएम ने दी शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मंदसौर में प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर की मूर्ति में दिखी दरारें, भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति में मुख पर दिखी दरारें, देश भर में प्रसिद्ध है भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा। शाहजहांपुर के ग्राम पनवाड़ी में हटाया अतिक्रमण, हाईवे किनारे से हटाया अतिक्रमण, हिंदू जागरण मंच ने की थी मांग, कार्रवाई का किया विरोध।
इंदौर में बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता अग्निपथ योजना को लेकर दी गई जानकारी। योजना को लेकर सोशल मीडिया पर कर रहे दुष्प्रचार। ग्यारसपुर में जमुना के स्वामी के मंदिर पर उमड़े भक्त, पहले श्रावण सोमवार को लगती है भीड़। जहरीले जंतु के काटने पर पहनाते हैं घासी, जहरीले जंतु नहीं करते हैं फिर परेशान। खिरगोन में सोमवार से शुरू हुआ श्रावण माह, भक्तों का मंदिर में लगा तांता, भोलेनाथ का किया जल अभिषेक, मंदिर में हुआ विशेष श्रृंगार। बैसदेही में पटवारी की समीक्षा बैठक की, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों पर हुई चर्चा, राजस्व महाअभियान 2.0 को लेकर दिशा निर्देश। फिलहाल इस दिन रफ्तार में इतना ही, आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।